मैंने आपसे सवाल पूछा कि आलाकमान में ही अपने में प्रतिस्पर्धा चल रही है क्या, उन्हें में कंफ्यूजन है क्या, कार्यकर्ताओं नेताओं को निराश क्यों कर रहे हैं, नुकसान आप ही को होगा ना सर? अगर जो अपने घर का सखा ना हो दूसरों के घर चला जाए, ऐसे बरूपिए भाजपा को मुबारक। अच्छा, ऐसे रूपों के ऊपर भाजपा अगर उन्हें लेती है और ऐसे ऐसे उनके नेता खड़े होकर देते हैं तो वो भाजपा को देश की जनता मुंह तोड़ जवाब देने वाली है। जो पार्टी 10 साल सत्ता में रहे और 10 साल सत्ता में रहने के बाद 400 पार का नारा लगाए और 48 गठबंधन के साथ लड़े और देश के प्रधानमंत्री को यही पता ना चले मुझे कैंडिडेट लड़वाना कहां से है और उनकी खुद की पार्टी के लोग नेता छोड़ के जाने लग जाए पार्टियों के अंदर, तो फिर घबराहट भाजपा में कांग्रेस में नहीं है। कांग्रेस को आज अपनी जमीन को पहचानने के लिए हमारे नेता राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा, न्याय यात्रा करके देश के जनमानस से करी और 5 गारंटियां देश को दी। जो देश को 5 गारंटियों की आज जरूरत है, अन्याय के खिलाफ जो अन्याय भाजपा निरंतर करती आ रही है और छुप जाती है हिंदू कोड के पीछे और मतन कोड के ऊपर। तो पॉलिटिकल आदमी का धर्म क्या है? उसका धर्म है समाज की सेवा करना, गरीब के प्रति प्रश्नों के उठने में जवाब देना या उस पर पूछना, या महिला पे होने वाले अत्याचार का जवाब देना, या देश की अर्थव्यवस्था का, या घंटी हिलाने के लिए मंदिर में जाने का काम। तो ये बात राहुल गांधी जी को समझा देते आप कर रहे हैं तो उल्टा है। ताली गाली देना मत, ताली मत बजाइए आप प्लीज, आप डिबेट की तरह जवाब दीजिए, ताली मत बजाए करिए बीच में। ताली नहीं बजा रहा आपकी काम, ताली मेरा है, हम दोनों एक दूसरे की बात का जवाब दे सकते हैं। ठीक है चंद्रमोहन जी, लेकिन फिर मेरे सवाल को आप गप कर गए सर। जो सवाल मैंने आपसे पूछा आपने मुझे उसका जवाब नहीं दिया। कोई बात नहीं, एक बार फिर से कोशिश करूंगी सर। बाकी मेहमान भी है ना, क्योंकि समय की सीमा रहती है। कौशल जी, ये अब जब मैंने गठबंधन को लेकर सवाल पूछा कि गठबंधन की ऐसी मजबूरी, खुद रोहन गुप्ता इस बात को लेकर कह रहे हैं कि ऐसी क्या मजबूरी कांग्रेस की आन पड़ी है कि केजरीवाल, जिन पर खुद कांग्रेस ने खालिस्तानियों के साथ संबंध होने के आरोप लगाए थे, उन्हीं को बैठकर डिफेंड करना पड़ रहा है। और सिर्फ आज से नहीं सर, लगातार जितने दिन अरविंद केजरीवाल और शराब नीति घोटाले को लेकर चर्चा की, उनको डिफेंड करने के लिए कांग्रेस बैठ रही है, उनके साथ गठबंधन कर चुकी है, उनके साथ मिलकर चुनाव लड़ने वाली है। वही रोहन गुप्ता का सवाल मैं आपके सामने रख देती हूँ, ऐसी कौन सी मजबूरी है कांग्रेस की, समझ नहीं आ रहा कि कैसे लड़े, या फिर जो साथ आ रहा है बस उसको जोड़ते चले, शायद जीत जाए इससे। पूर्णिमा जी, सत्ता का लालच यही एक मजबूरी है, परिवारवाद को पोषित करना है, अपने परिवार को बचाना है, भ्रष्टाचारियों को बचाना है, देशद्रोहियों को बचाना है। और सब फैक्चुअल में बोलता जाऊंगा, आप इनके अपने नेता ने कहा, रोहन जो अब भारतीय जनता पार्टी के मेंबर हो गए, उन्होंने कहा कि खालिस्तान का समर्थन करने वाली आम आदमी पार्टी के साथ इंडी गठबंधन में आए, जबकि वहीं पंजाब में दोनों कांग्रेस लीडर और आम आदमी पार्टी एक दूसरे विरोध कर रही है। यही हाल आप वेस्ट बंगाल में देखिए, ममता बनर्जी के अगेंस्ट वहां पर अधीर रंजन चौधरी जो रोज धरना देते हैं, प्रदर्शन करते हैं, कहते हैं ममता दी जी ने वहां पे लोकतंत्र को खतरे में डाल रखा है। तीसरी चीज आप देखिए, केरला में चले जाइए जहां पर राहुल बाबा अमेठी छोड़कर के भाग गए हैं, वायनाड में क्यों गए हैं हमें आपको सबको पता है, इसलिए गए हैं क्योंकि वहां का वोट परसेंट माइनॉरिटी का करीब 51% है। अपना चुनाव है ना सर, कि कहां से चुनाव लड़ना है, अगर कल को प्रधानमंत्री जी बनारस छोड़ के कहीं और से चुनाव लड़ते हैं तो ये थोड़ी कहेंगे कि बनारस छोड़कर चले गए, ये तो अपना चुनाव है ना, कि चुनाव कहां से लड़े। पूर्णिमा जी हारने के बाद गए ना, समस्या ये है, जब अमेठी में बुरी तरह से हारे इसलिए गए और उसके बाद दोबारा अमेठी में नहीं आ रहे हैं, भाग गए, अब वायनाड से लड़ने का रीजन क्यों, क्योंकि वहां पर 52% करने के मास्टर रहे, कर देते कि एक व्यक्ति एक ही जगह से चुनाव लड़ सकता है, पिछले 5 साल में ये संविधान संशोधन कर देते जी। इसके बाद आती हूँ, प्रधानमंत्री उदाहरण दिया राहुल लाल जी, उसको पकड़ने की जरूरत नहीं है। और नियति की बात की, कौशल जी बात, जहां तक रही नेता की बात, मोदी जी के जैसा नेता विपक्ष के पास नहीं, और जो नेता इनके हैं उनमें अगर हम खड़गे की बात करें तो खड़गे का अपना स्टेटमेंट है जो आज कांग्रेस के प्रेसिडेंट है, कि अगर मोदी की सरकार आएगी तो सरकार सनातन की सरकार बन जाएगी, इसलिए नहीं आनी चाहिए, ये खड़गे का स्टेटमेंट है। राहुल गांधी अपने आप को और इस तरह के झूठे बयान जारी कर देते हैं। अच्छा ये बता दीजिए, अभी तो आपने कहा कि सनातनी हिंदू कांग्रेस के लोगों को किसे किसे बचाना पड़ता है, जरा आप भी तो बता दीजिए कि आप लोगों को किस पर किसका बचाव करना पड़ता है।
अजीत पवार का बचाव करना पड़ता है जिसके ऊपर प्रधानमंत्री हमला करते हैं, जिसके बारे में आपके दलित फडणवीस बोलते हैं चक्की पिसिंग, उनका बचाव आपको क्यों करना पड़ रहा है? आपको क्यों जो है कि हेमंत बिस्व शर्मा का बचाव करना पड़ रहा है, जिनके बारे में आप लोगों ने पूरी पुस्तिका तैयार कर ली थी? आपको क्यों तमाम जो है भ्रष्टाचार के आरोप लगाते थे उन लोगों का बचाव करना पड़ रहा है? समर्थन लेकर के वायनाड में इलेक्शन लड़ना लेफ्ट वालों का, जो अल्ट्रा लेफ्टिस्ट है, जो देश विरोधी, लेफ्ट के साथ तो वहां लड़ाई चल रही है, लेफ्ट के साथ वहां तो लड़ाई चल रही है। बताइए केरल की राजनीति के बारे में जानकारी नहीं है क्या कौशल जी? अरे वहां तो कांग्रेस और लेफ्ट के बीच में ही घमासान है। परिवार को बचाने के लिए एक साथ खड़े होने की कोशिश करना, अदरवाइज ये देखिए जितने भी भ्रष्टाचारी है गठबंधन के मिलने वाले सारे भ्रष्टाचारी जो भी स्टेज पे खड़े होते हैं, आप जिस तरीके से पीएफआई द्वारा समर्थित राजनीतिक दल के साथ केरला में समर्थन लेते हैं, पंजाब में आतंकी समर्थित सरकार के साथ समर्थन लेते हैं, दिल्ली में उसी सरकार को सपोर्ट करते हैं, जब अरविंद केजरीवाल जेल में जा रहे हो राहुल लाल जी कांग्रेस की बात की, कांग्रेस ने लगाया था, कांग्रेस ने लगाया था, नारी की बात करते हैं, कांग्रेस ने पहले लगाया था, शक्ति का विरोध करते हैं, संदेश खाली के ऊपर चुप हो जाते हैं, तो इस तरह का ठीक है कौशल, ठीक है कौशल जी, राहुल लाल जी और राहुल लाल जी के सर रोकूंगी सर, कौशल जी बीच में इंटरप्ट करने की कोशिश करते हैं, जब इनके पास जवाब नहीं है, आप ये बताइए ना, सनातन को डेंगू मलेरिया एड्स कहने के बाद एक कांग्रेसी नेता का स्टेटमेंट आया आज तक? नहीं आया। इनके लेकिन लेकिन ये भी नहीं कहा, एक सेकंड ना राहुल लाल जी, प्लीज राहुल लाल जी आप ही मेरी कुर्सी संभाल लीजिए ना फिर, ये राम विरोध करते हैं कौशल जी, ऐसा नहीं है, सुनिए मेरी बात सर, सुनिए मेरी बात, खुलकर निंदा नहीं की तो खुलकर समर्थन भी नहीं दिया, एक सवाल, खुलकर निंदा नहीं की अगर उदयनिधि स्टालिन के बयान की तो खुलकर समर्थन भी नहीं किया कौशल जी, कौशल जी, कौशल जी जल्दी से 30 सेकंड में पूरा कीजिए, 30 सेकंड में सर, हाँ अयोध्या के प्रोग्राम को प्राण प्रतिष्ठा, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी का कौन नेता था वहां पे? प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री थे इसलिए थे, मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री इसलिए थे, आप तीसरे आदमी का नाम बता दीजिए जो भारतीय जनता पार्टी का नाम रखा है यहाँ पर बैठ करके झूठे नरेटिव, राहुल लाल जी इसी में उलझे रह जाइए, आपकी किसका कार्यक्रम था, प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा थी वहां पर, आप ध्यान मत दीजिएगा, किसका कार्यक्रम था, किसका कार्यक्रम था, इसी की डफली बजाते रहिए आप, यही डफली बजाते रहिए कि किसका कार्यक्रम था, प्लीज सर राहुल लाल जी प्लीज उसी एक चीज के इर्द गिर्द मत घूमिए ना, कुछ नया बताइए ना सर, नया बताइए, कुछ नया बताइए, ठीक है सर प्लीज, एक मिनट उसको लेकर क्लैरिटी हो चुकी है सर, पानी बहुत आगे बह चुका है राहुल लाल जी, उसके बाद प्लीज सर प्लीज, सौरभ जी अब इसके बाद सवाल ये भी है, मान के चलिए मैं तमाम नेताओं का नाम ले रही हूँ, मैं रोहन गुप्ता का नाम ले रही हूँ, गौरव वल्लभ का मैं नाम ले रही हूँ, बार बार ये कहते रहे कि एंटी सनातन कॉन्ट्रोवर्सी पैदा हुई और इसके साथ राम मंदिर की ओपनिंग सेरेमनी में शामिल नहीं हुए, ये एक मुद्दा है, लेकिन इसके बाद सवाल ये भी उठता है कि क्या कांग्रेस नया लेफ्ट बनती जा रही है और क्या ये आत्म मंथन का समय नहीं है कांग्रेस के लिए कि आखिर क्यों ये पलायन कांग्रेस से होता जा रहा है और वाकई में कांग्रेस को क्या इसकी परवाह है कि इसको रोकना है हमको या सिर्फ या जैसा कि सर ने कहा कि बहुरूपीय है चले गए तो बहुत बढ़िया है। देखिए झूठ का झाड़ जो है ना वो सच के पहाड़ के नीचे जो है वो आता आपको दिख रहा है जिस प्रकार से कांग्रेस के प्रवक्ता अब स्वयं वो बयानबाजी कर रहे हैं। देखिए यही कांग्रेस के लोग हैं, प्रवक्ता थे जो एक समय मोदी जी के खिलाफ जो है उलुल जुलुल बोलते थे, लेकिन सत्य का ज्ञान हुआ उनको और अपने झूठ का जो है उनको समझ में आया कि नहीं हम गलत हैं, हम लगातार झूठ बोल रहे थे, तो आज वो सच्चाई के सामने स्वयं आकर के कह रहे हैं, वो किसी के बहकावे में किसी के दबाव में तो नहीं कह रहे लगातार, और एक नेता दो नेता नहीं एक लंबी झड़ी है, बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। देखिए जो कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व है उसके ऊपर लेफ्ट जो है जैसे विक्रम के ऊपर बेताल सवार हो जाता था ना, तो विक्रम की बुद्धि हर लेता था, विक्रम इतना बुद्धिमान आदमी था लेकिन उसके ऊपर बेताल सवार था, तो श्री राहुल गांधी श्री सोनिया गांधी श्री प्रियंका गांधी इनके ऊपर वही बेताल रूपी लेफ्ट सवार है जिसके कारण ये लगातार जो है वो सनातन का अपमान कर रहे हैं। भाई साउथ वाले तो कह रहे थे ना सनातन डेंगू है, ये साउथ से ही तो आवाज आई थी कि हिंदुओं के प्रति आप दुष्प्रचार कर रहे थे। मैं ये कह रहा हूं कि देखिए भ्रष्टाचार
तो आपके चलो डीएनए में था, आप भ्रष्टाचार करते थे, इसलिए आप जो भ्रष्ट पार्टियां हैं उनके साथ गठबंधन। आज भी आप केजरीवाल जी को सुनिए, अरे सुन लो यार मेरे भाई, पूरा बोल रहे थे ना अभी। हाँ ठीक है ठीक है, अभी बताता हूँ। आपने अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ ट्वीट किया, सुप्रिया सिन्हा जी ने किया, अजय माकन जी ने किया, आप अजय माकन को गाली देंगे या अजय माकन सही थे, अजय माकन सही थे या फिर आप सही है बता दीजिए। जिस प्रकार से आप केजरीवाल को पानी पी पी करके गाली दे रहे थे कि शराब घोटाला किया है, आईपी एंड में जेल में डालिए, और आज आप कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार के साथ खड़े, मतलब आप जो है भ्रष्टाचार के साथ भी खड़े होंगे और भ्रष्टाचारियों के साथ भी खड़े होंगे। नहीं चलेगा, दो तरफा बातें नहीं चलेगी, जनता को गुमराह मत करिए, जनता से आपको माफी मांगनी पड़ेगी। एक देश के चुनाव में, इस बार के लोकसभा चुनाव में जनता से पूछा कि जिस अरविंद केजरीवाल जी ने लिस्ट में सोनिया गांधी का भ्रष्टाचार पहले रखा था, सोनिया गांधी का भ्रष्ट नेता बताया था, उसी केजरीवाल के साथ आज आप गठबंधन करने वहां पर, अतीत नहीं है, अतीत नहीं है, अभी कुछ दिन पहले की बात है। अच्छा अतीत हो गया, आज अतीत हो गया, क्या बात करते हैं आप, अधूरा ज्ञान दे रहे हैं भाई। अब सुन लीजिए, यही कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पंजाब में क्यों नहीं कर पाए गठबंधन? अब देखिए ये नहीं, क्यों नहीं कर पाई ये बताइए, दिल्ली में कर लिया, पंजाब में नहीं करेंगे, कौन सा मास्टर स्ट्रोक है? अगर यहाँ पे अगर आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन होता पंजाब के भीतर, तो फिर विपक्ष में वहां पे भारतीय जनता पार्टी और वहां पे अकाली दल को प्रवेश करने का मौका मिलता। आज सत्ता पक्ष बंगाल में क्यों नहीं कर पाए गठबंधन? यही रणनीति बंगाल में क्यों नहीं कर पाए? बंगाल में क्यों नहीं कर पाए? यही रणनीति पश्चिम बंगाल में भी क्यों नहीं कर पाए ममता बनर्जी के साथ? अच्छा ये बता दीजिए, अगर वहां पे सीधे सीधे आमने सामने का मुकाबला होगा, महाराष्ट्र में क्यों सीट शेयरिंग फॉर्मूले के बाद भी वर्षा गायकवाड़ क्यों नहीं पहुंची महाराष्ट्र के दौरान, क्यों निकल गई? महाराष्ट्र में तो कोई समस्या नहीं है, जितना शानदार सीटों का शेयरिंग हुआ है वहां पे, और उद्धव ठाकरे का जो तमाम अपमान किया गया था उसको नीतीश कुमार क्यों छोड़ के गए? नीतीश कुमार तो आपके गठबंधन के वक्त नहीं 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 पप्पू यादव का क्या कर लिया? पप्पू यादव का क्या कर लिया ये बताइए जरा, क्या कर लिया पप्पू यादव का? नहीं कर पाए ना सर, ये बहुत सारे पॉइंटर्स हैं ना, कांग्रेस को नहीं लड़ रहा है, फिर आप इसमें सेलेक्टिव हो जाते हैं, सेलेक्टिव हो जाते हैं, जब फैक्ट्स पर बात होती है तो उसका कोई जवाब नहीं होता। मैंने कहा पंजाब में ये रणनीति है, पश्चिम बंगाल में ये रणनीति है, पप्पू यादव के लिए ये नहीं कर पाए। अरे कोई तो स्टैंड लेती कांग्रेस उनके लिए, कोई स्टैंड तो लेती उनके लिए, किसके लिए? बेचारे कह रहे थे कि राहुल गांधी को हम प्रधानमंत्री बनाएंगे, क्या कर लिया पप्पू यादव के लिए कांग्रेस ने जरा बताइए? ये बताइए जब गठबंधन होते हैं तो इस प्रकार की चीजें होती है, फिर तो पप्पू यादव तो नहीं गए बीजेपी ज्वाइन करने? नहीं गए तो नहीं गए ना पप्पू यादव बीजेपी ज्वाइन करने, क्यों कांग्रेस के लीडर्स चले जाते हैं बीजेपी ज्वाइन करने के लिए? क्यों चले जाते हैं कांग्रेस के लीडर्स बीजेपी ज्वाइन करने के लिए? भविष्य में ध्यान रखा जाएगा इस चुनाव के बाद, ठीक है ठीक है अभी ऐसा ठीक है इस चुनाव के बाद, ठीक है ठीक है, आपकी पार्टी भी बचेगी, सौरभ जी सौरभ जी टीम इंडिया की प्रचंड बहुमत से सरकार की उल्टी गिनती चालू हो गई है, ठीक है, ऑल द बेस्ट सर, ऑल द बेस्ट चंद्रमोहन जी को भी, उसके लिए ऑल द बेस्ट, बहुत अच्छी बात है, और चुनाव इसी तरीके का होना चाहिए, क्लीन स्वीप वाला मोमेंट नहीं दिखना चाहिए कि बीजेपी पूरा एक साथ लेकर 400 पार की बात करते हो, असल में कर जाए तो मजा नहीं आएगा ना सर, विपक्ष मजबूत होना चाहिए, मैं बार बार ये कहती हूँ राकेश जी ठीक है, चलिए सर ठीक है सर, वो तो 4 तारीख को पता चल जाएगा ना, हम और आप तब डिबेट कर रहे होंगे, फिर आप बताइएगा कि यहाँ कमी रह गई वहां कमी रह गई।